हेलो स्टूडेंट, जावा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये जावा पर हमारा नवा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटर्स पर, जावा की हमारी क्लास। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे जावा ऑपरेटर्स। क्वेश्चन क्या बनेगा वो आप नोट कर लीजिए। जावा में ऑपरेटर्स से आप क्या समझते हैं तथा जावा में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को समझाइए। जावा में ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, जावा में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को समझाइए। सभी जावा के ऑपरेटर्स पर मैं इस वीडियो में आपको आपसे बात करूंगा मैं, है ना। सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहेगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है उसको हम समझे जावा के अंदर, है ना। तो ऑपरेटर्स की बात करें, यहां पर यह आप पहली जो लाइन है इसके अंदर मैंने लिख रखी है, ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग। ये आप क्वेश्चन डाल लो कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, या फिर जावा में आप ऑपरेटर से क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को समझाइए, है ना। या ऑपरेटर शब्द जब आए, है ना, कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं समझाइए, तब आपको इस प्रश्न पर, इस वीडियो में जो मैं समझाता हूं वो आपको लिख करके आना है ना। अब पहला हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहला हमारा मोटो रहेगा कि ऑपरेटर क्या होता है, जावा के अंदर ऑपरेटर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहली ये डेफिनेशन, ये इंग्लिश शब्दों में मैंने इंग्लिश में लिख रखी है, क्या है ये डेफिनेशन, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं फिर उसको समझाता हूं मैं। ऑपरेटर्स इन जावा इज अ सिंबल विच यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ईटीसी। तो अब आप हिंदी में इसकी हिंदी में मैं बता देता हूं, ऑपरेटर क्या होता है जावा में। जावा में ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आप पेन कॉपी लेके नोट कर लो। ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश के शब्द दिख रहे थे ये पूरा मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिख रखी है तो इसको मैं बता दे रहा हूं हिंदी में भी, आप इसको नोट कर लो। क्या नोट करोगे कि ऑपरेटर क्या होगा जावा में। जावा में ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंबल होता है जिसका प्रयोग किसी ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये तो ही डेफिनेशन की बात, अब हम समझे इसको। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है। जैसे गणित के अंदर हम बात करें, जावा का मान लो आप पहला वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं, तो गणित में तो पढ़े हैं। गणित में ऑपरेटर क्या होता है, गणित में जैसे प्लस साइन एक ऑपरेटर है, क्या काम करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा, है ना। मतलब प्लस क्या है, एक सिंबल है जो क्या करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा। मतलब ऑपरेशन कौन सा करके दे देगा आपको, दो नंबर को जोड़ने का। इसी तरह से गणित में अगर माइनस की बात करें तो माइनस क्या करता है, दो नंबर को, सिंबल है, ऑपरेटर है ना, दो नंबर को घटा करके हमको देगा और घटाने का ऑपरेशन हमको करके देगा, है ना। इसी तरह से गणित में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। जैसे बात करें तो पाई होता है, अंडर रूट होता है, और भी अनेक तरह के ऑपरेटर्स गणित में होते हैं। पर जावा किन किन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करेगा, सारे ऑपरेटर्स को, ये जैसे पाई जो ऑपरेटर होता है वो मैथमेटिक्स में होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाई नाम से कोई ऑपरेटर नहीं होता, जावा में भी पाई नाम से कोई ऑपरेटर नहीं है। इसी तरह से अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट जावा में ऑपरेटर नहीं है, है ना, मैथमेटिक्स में होता है। तो जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स रहेंगे, जावा में कौन कौन से सिंबल्स रहेंगे, वो सारे हम इस वीडियो के अंतर्गत उन सारे ऑपरेटर्स पर, हम उन सारे सिंबल्स पर चर्चा करेंगे। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका उपयोग किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे ये जो प्लस है, प्लस एक साइन है, ये ऑपरेशन क्या कर देगा, ये दो नंबर को जोड़ने का कार्य कर देगा, है ना। माइनस है, दो नंबर को घटाने का काम कर देगा। तो ये आपका कम से कम ऑपरेटर को आप इस तरह से, कोई भी आपसे पूछ ले कि जावा में ऑपरेटर क्या होता है, आप तुरंत बोले कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका उपयोग किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम,
तो मैंने ये सारे टाइप लिख रखे ऑपरेटर के, 8 तरह के ऑपरेटर जो है वो जावा सपोर्ट करता है। या टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो इसको घोट डालो आप कि कौन कौन से टाइप है जावा में, इसको आप रट लो बिल्कुल, है ना। क्या पहला टाइप हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा टाइप हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा टाइप आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, पांचवा टाइप आपका हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, छठा टाइप आपका हो गया कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, सातवा बिटवाइज ऑपरेटर, और आठवा टाइप आपका हो गया स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स आप क्या करो, ये क्रमवार आप याद कर लो, ये 8 प्रकार के ऑपरेटर जो है वो जावा सपोर्ट करता है। यदि आपने सी या सी प्लस प्लस में पहले से ऑपरेटर पढ़ रखे हैं तो ये लगभग वही है, 90% चीजें वही है ना। सी और सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े और जावा में जो ऑपरेटर्स, उसमें अंतर बिल्कुल थोड़ा सा ही आएगा, ये सारे वही है। इसमें जो एड हुआ है जावा में, ये 8 नंबर पे है स्पेशल ऑपरेटर्स, है ना। स्पेशल ऑपरेटर है ये आपका जो है, ये केवल जावा में ही है स्पेशल ऑपरेटर, सी या सी प्लस प्लस में स्पेशल ऑपरेटर नहीं होते, तो ये इसमें ऐड हुआ है। और साथ ही इसमें बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एक सिंगल ऑपरेटर ऐड हुआ है, बाकी सारे इसके ऑपरेटर्स वही के वही है। अगर हमको वहां से याद है तो आपके वही के वही सारे ऑपरेटर्स रहेंगे जो सी प्लस प्लस में थे, और यहां पर आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आप देखेंगे एक साइन आएगा, जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो ये 3 आपका है, सॉरी ये साइन आएगा आपका, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट विथ जीरो फिल। तो एक तो ये ऑपरेटर ऐड हुआ है राइट शिफ्ट विथ जीरो फिल, और दूसरा क्या ऐड हुआ है, स्पेशल ऑपरेटर जो 8 नंबर पे है। इसके अलावा बाकी सारे ऑपरेटर आप पुराने के पुराने आप सारे लिख दे जो आपने सी प्लस प्लस में पढ़े या सी में पढ़े हैं, वही के वही ऑपरेटर आपके रहेंगे। अब इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना, किस तरह से हम इनका उपयोग करें। इसके बाद के जो ऑपरेटर्स है, जो 2 से लगा करके 8 नंबर तक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर्स, इन सब पे मैं एक सिंगल सिंगल वीडियो डालूंगा। मतलब एक वीडियो मैं रिलेशनल ऑपरेटर का बना करके डालूंगा, इसके बाद फिर उसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगला वीडियो उससे कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद इसी तरह से बिटवाइज ऑपरेटर पर वीडियो आएगा, और सबसे लास्ट में वीडियो आएगा हमारा स्पेशल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो क्रमवार आएगा। इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। तो प्रश्न बनता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं जावा के अंदर। तो अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की ओर चलते हैं। मैंने एक फाइल बना के रखी है। सबसे पहले तो ये आप ऑपरेटर की डेफिनेशन, इसको आप लिख लो, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इसको आप, इसको भी आप लिख लो। इसके बाद में अगली फाइल ओपन करता हूं जिसमें मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लिख रखा है। ओपन करूं, मैं सेव कर दिया, डेस्कटॉप पर ही मैंने एक फाइल बना के रखी है op2 नाम से, जिसमें मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में लिख रखा है। उसको मैं ओपन कर लेता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे अरिथमेटिक। तो हमारा जो पहला टाइप है जावा में ऑपरेटर का, अरिथमेटिक ऑपरेटर, हेडिंग आप लिख लो अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग जावा में गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है, या आप ऐसा लिख लो इसको कि ऐसे सारे ऑपरेटर जिनका प्रयोग गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ऐसे सभी ऑपरेटर जिनका प्रयोग गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा में होते हैं। 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके होते हैं कौन कौन से? 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से, यहां पर आप लेफ्ट साइड में देखो ऑपरेटर्स, ये 5 ऑपरेटर, 5ों को मैंने साइन लिख रखे हैं, साइन है 5ों के, ब्रैकेट में उनके नाम है, और सामने उनका काम है, रिजल्ट जो ले रिजल्ट वाले कॉलम में उनका काम है।
तो जब परीक्षा में अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हम दो लाइन इस पर लिखेंगे कि ऐसे सभी ऑपरेटर्स जिनका प्रयोग गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। और फिर उसके बाद में हम इसमें भी टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी कि पांच अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा में होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्लस साइन, एडिशन लिख दो इसको। एडिशन क्या करेगा? ये एडिशन जो है, एडिशन जो होता है दो नंबर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दूसरा है माइनस, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या काम के लिए यूज होगा? दो नंबर को घटाने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद अगला साइन है स्टार। स्टार साइन जो होता है मल्टीप्लाई का साइन है इसमें। ये क्या काम करेगा? दो नंबर का गुणा करने के लिए उपयोग होता है जावा में। इसके बाद अगला कौन सा है? आपका डिवाइड ऑपरेटर है, डिवीजन। डिवाइड ऑपरेटर क्या करेगा? दो नंबर को भाग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो है आपका परसेंटेज। इसको यहां परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे जावा में, हम जितनी भी बार पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करेगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर दो नंबर को डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर है वो आपको रिटर्न करेगा। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। शेषफल बोल दो आप या रिमाइंडर बोल दो, आपको क्या करेगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर यहां पर दो नंबर को भाग लगाएगा और रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हुआ हमारा एग्जाम में लिखने के लिए बात हो गई कि पांच तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। तो सिंपल पहले चार तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि प्लस जो है दो नंबर को आप, अब ये सामने देखो इंग्लिश में लिख रखा है ये, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप हिंदी में लिख दो, प्लस साइन बना दो सामने, आप हिंदी में अपने शब्दों में लिख दो कि यह ऑपरेटर दो नंबर को जोड़ता है। माइनस इसके सामने लिख दो, यह ऑपरेटर दो नंबर को घटाता है। स्टार, यह ऑपरेटर दो नंबर का गुणा करता है। डिवाइड, यह ऑपरेटर दो नंबर को भाग देता है। और मॉड्यूलस, यह ऑपरेटर क्या करता है? परसेंटेज जो ऑपरेटर है ये दो नंबर को भाग लगा करके शेषफल रिटर्न करता है। अब इनको समझ ले हम, ये है ना एग्जाम में कहा तो हो गया, ये समझा रहा हूं मैं, है ना, ये इसको अपने को एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन इनकी लिखना है, इनको समझाना है। अब जैसे मैंने लिख दिया 3 + 2, ये जोड़ने का काम करेगा, 3 और 2 क्या होता है? 5, तो ये हमको रिजल्ट क्या रिटर्न कर देगा? 5। और अगर मैंने लिख दिया 3 - 2, तो 3 में से 2 घटा करके हमको रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न कर देगा? 1। रिजल्ट क्या आएगा इसका? 1 आएगा। यदि हमने लिख दिया 3 × 2 लिख दिया तो गुणा करेगा ये, 3 × 2 क्या होता है? 3 × 2 6 रिटर्न करेगा ये, 6, इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा। यदि आप लिख दो कि 10 × 5 क्या रिटर्न करेगा? 10 को 5 से भाग लगा देगा, भागफल क्या होगा यहां पर? 2 आएगा। 10 / 5 = 2, यहां पर क्या रिटर्न करेगा? ये हमको 2 रिटर्न करेगा। इसी तरह से अब समझते हैं मॉड्यूलस, है ना, समझने का इसमें अरिथमेटिक में केवल एक ही ऑपरेटर, ये परसेंटेज या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसको ही हमको अच्छे से समझना है। ये ऑपरेटर आगे काम में भी आएगा, हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, तो बहुत काम का ऑपरेटर है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करता है? हमको दो नंबर को भाग लगाता है और शेषफल रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे मैंने लिख दिया a मॉड्यूलस b, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करेगा? a को b से भाग लगाएगा और a को b से भाग लगा करके हमको क्या रिटर्न कर देगा? शेषफल रिटर्न कर देगा। ये जो ऑपरेटर है a को b से भाग लगाएगा और रिमाइंडर शेषफल हमको रिटर्न करेगा, यदि मैंने लिख दिया a परसेंटेज b तब। अब आगे हम देखें इसको, जैसे मैंने लिख दिया 5 modulus 2, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये हमको क्या रिटर्न करेगा? 5 modulus 2, 5 को यदि हम 2 से भाग लगाएं तो 2 बार भाग जाएगा, बचेगा क्या इसमें शेषफल? क्या बचेगा? 5 को 2 से भाग लगाने पर 1 शेषफल बचेगा। तो यदि आप लिखेंगे 5 modulus 2, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको 1 रिटर्न करेगा। रिजल्ट इसका क्या आएगा? 1 आएगा। यदि आप क्या कर दें, मान लो लिख दें 20 modulus 2, तो 20 modulus 2 ये पूरा डिवाइड हो गया 20, मतलब यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। यहां पर मैं लिख दू 15 modulus 4, और 15 modulus 4 अगर मैंने लिखा,
यहां पर कितना, ये तीन बार डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी कितना बचेगा यहां पर, तीन बचेगा, इसका रिटर्न आएगा तीन। यहां पर मैं लिख दू 17 मॉड्यूलस 15, ये क्या आएगा आपका, ये एक बार डिवाइड होगा और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल इसमें बच जाएगा दो बच जाएगा। दूसरा मैं लिख दू 15 मॉड्यूलस 17, ये क्या हो जाएगा, एक भी बार भाग नहीं जाएगा आपका, पूरा का पूरा 15 जो है वो आपका क्या है, वो आपका रिमाइंडर है शेषफल। तो रिमाइंडर बचेगा, आपको ये पता करना रिमाइंडर कैसे निकलता है, कोई भी नंबर जब जब भी क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा, जैसे मैंने लिखा 20 मॉड्यूलस 2 यहां पर लिखा है, पूरा पूरा जब डिवाइड होगा तो ये रिमाइंडर हमको क्या रिटर्न करेगा, ये रिमाइंडर हमको जीरो रिटर्न करेगा। इसके अलावा बाकी मैंने उदाहरण बता ही दिए हैं, आप आराम से इसका प्रैक्टिस करें। अब आगे हम इसका एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, है ना, इसका एक प्रोग्राम मैंने बना के रखा है। ये जो है मैंने क्या करा, एक क्लास ले लिया अर्थ डेमो नाम से, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर मैंने पूरी कोडिंग डाल दी। इसमें क्या करा मैंने, ए नाम से एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 10 है, बी नाम से एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू कितनी है 5। सबसे पहला मैंने डिस्प्ले कर दिया ए इक्वल टू ए, तो ये लाइन के एक एक लाइन का मैं आउटपुट बताते जा रहा हूं, ए इक्वल टू ए, तो ये क्या करेगा, ए इक्वल टू ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, कितनी मतलब पहली लाइन क्या आएगी आउटपुट जब देखेंगे, ए इक्वल टू 10 लिखा आएगा। दूसरी लाइन क्या आएगी, B इक्वल टू, और फिर ये क्या करेगा हमारा B की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, B की वैल्यू कितनी है, B इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर अगला A प्लस B लिखा आएगा, ये आपका दोनों को जोड़ के डिस्प्ले करेगा, तो 10 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 15, A प्लस B इक्वल टू 15 आएगा। A माइनस B इक्वल टू क्या, दोनों को ये घटा करके डिस्प्ले कर देगा, 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। A मॉड्यूलस B, A स्टार B क्या आएगा, गुणा करके दे देगा, तो 10 into 5 कितना 50, तो A into B आपका आ जाएगा 50। A divide by B, तो ये 10 divide by 5 ये क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। और A modulus B ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, अगर 10 को 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये सारा मैंने यहां पर लिख दिया है, इस प्रोग्राम को मैंने सेव भी कर दिया है। सेव करने के बाद में ये फाइल हमारी ई ड्राइव में सेव है माय प्रोग्राम नाम से फोल्डर के अंदर। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं, रन करके इसको देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, और प्रोग्राम कैसे बनाना कैसे रन करना ये मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा, इसको लेकर के मैं वीडियो डाल ही चुका हूं। या तो आप मोबाइल में रन कर रहे हैं तो मैंने बताया वो वाला आप ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर आप कंप्यूटर में रन कर रहे हैं तो पिछला वीडियो में प्रोग्राम रन करने के लिए डाल चुका हूं, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं मेरा फोल्डर ओपन कर लेता हूं, माय प्रोग्राम, ये हो गया। यहां पर कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या रखा था, अर्थ डेमो डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है हमारा, 2 मिनट वेट करो, ये हो गया कंपाइल हमारा प्रोग्राम, है ना। इसके बाद रन करूं मैं जावा अर्थ डेमो, तो प्रोग्राम रन हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ये जो आउटपुट आया इसको मैंने बताया उससे आप कंफर्म कर लो, ये दिख रहा है आपको, है ना, क्या a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a प्लस b इक्वल टू 15, a माइनस b इक्वल टू 5, a, तो जो मैंने समझाया जिस तरह से वही का वही इसमें आपको आउटपुट देखेगा, तो ये आप आउटपुट उसमें लिख दो। तो ये आज का वीडियो था हमारा कि ऑपरेटर क्या होता है, उसमें मैंने सारे टाइप के आपको नाम बता दिए और पहला टाइप मैंने उसके अंदर आपको समझा भी दिया है। पहला टाइप हमने कौन सा समझा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद के जो टाइप है उसके आने वाले समय में, कल या परसों में जब भी समय मिलेगा मैं आपको उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक या दो दिन में आने वाले, एक या दो दिन में ये हमारा ऑपरेटर्स पूरा क्या हो जाएगा, सारे ऑपरेटर मैं आपको कवर करके दे दूंगा। तो वीडियो अब आपके स्पीडली अपलोड होंगे, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊं दिन में, तो आप डेली वीडियो देखते जाए, इसको इकट्ठे आप कभी भी ना करें। अगर आपने एक बार वीडियोस इकट्ठे कर लिए तो आप कभी भी उन वीडियोस को नहीं देख पाओगे, आप कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे, तो आप इसको पढ़ते जाएं, है ना। और धन्यवाद, और आपकी कोई भी समस्या हो आप
मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल कर लें, जो भी समस्या आएगी मैं पूरा समाधान करूंगा उसका। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को कमेंट लाइक जरूर करें। धन्यवाद।